Hello students, today in this video I am going to start University Wits. University Wits is an important topic for your exam because University Wits has given the dimension to the English drama. Look at the PPT, the drama before Shakespeare found its full flooring with the dramatist called the University Wits. Drama Shakespeare से पहले का जो drama था वो पूरा develop था, पूरी तरह से develop था और कुछ dramatists के साथ जिनके group को कहा जाता था University Wits. ये 7 members का group था जिसको University Wits कहा जाता था. These dramatists were well educated scholars. और ये जो ड्रामेटिस्ट थे ये बहुत ही अच्छे एजुकेटेड स्कॉलर्स थे और इसीलिए इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था क्योंकि जो है ये यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे. कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी स्टडी की थी. दे रॉट इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 16th century और उन्होंने 16th century के क्लोजिंग ईयर्स में यानी लास्ट में उन्होंने लिखा. This name of University Wits was given them because they were nearly all educated at Oxford or Cambridge University. और क्यों क्या कहा गया ना University Wits, क्योंकि ये लोग Oxford और Cambridge University में वहाँ से पढ़ाई की थी इन्होंने. Wits was a synonym for scholar और Wits का wit का मतलब होता है scholar. तो इस तरह से बन गया University Wits. All the University Wits have several features in common. और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, यानी जितने भी उसके मेंबर्स थे उनमें जो कुछ बातें थी वे कॉमन थी. दे हैड स्टॉर्मी करियर्स, बहुत ही उनका करियर जो है वो स्टॉर्मी रहा था यानी संघर्षपूर्ण रहा था. ऑल ऑफ देम वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द थिएटर, उनमें से जो भी थे वे सब पूरी तरह से एक्टिव थे, थिएटर के साथ एसोसिएट थे. दे वर यूजली एक्टर्स एज वेल एज ड्रामेटिस्ट, ड्रामा तो लिखते ही थे लेकिन साथ ही साथ वे एक्टर्स भी थे, ड्रामा प्ले भी करते थे. दे अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेज एंड फेल्ट द पल्स ऑफ द ऑडियंस. उन्होंने क्योंकि वे खुद एक्टर थे तो इसीलिए उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा कि वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेज, कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से हमें ड्रामा लिखना चाहिए ताकि ऑडियंस जो है वो उसमें अच्छा उसमें उसको पूरी तरह से उसको इंटरेस्ट लेकर देखे. दे ऑफन वर्क्ड इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर, कई जगह पर उन्होंने एक दूसरे के साथ भी काम किया था. देयर स्टोर मटेरियल वॉज ऑल्सो कॉमन, और उनका स्टोर मटेरियल यानी जो भी वो लिखते थे, जिस तरह का वो लिखते थे, जैसे ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो सभी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो उनका स्टोर मटेरियल था वो ज़्यादातर कॉमन ही था. विद दीज ड्रामेटिस इंग्लिश ड्रामा रीच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी, और इन ड्रामेटिस के साथ जो इंग्लिश ड्रामा है वो काफ़ी उसने डेवलपमेंट हुआ. इन मैनी वेज ए डेवलप्ड इंग्लिश ड्रामा, अगर हम कहें तो उन्होंने काफ़ी तरह से ड्रामा को डेवलप किया. उन्होंने कई सारी काइंड डेवलप की, उन्होंने कई सारी मेथड डेवलप किए. क्रिस्टोफर मार्लो वॉज मोस्ट शाइनिंग स्टार अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, और जो उसमें क्रिस्टोफर मार्लो थे वो उसके मोस्ट शाइनिंग स्टार थे, यानी स्टार्टिंग उन्हीं से मानी जाती है और लीडर भी उन्हीं को कहा जाता है, मतलब वो उनमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम थे. अदर्स वर, ये उनके अलग अदर्स के नाम हैं, लिले, पीले, ग्रीने, लॉज, नेशे एंड किट, ये और जो उसमें यूनिवर्सिटी विट्स के मेम्बर्स थे उन सबके नाम हैं. और इनका पूरा नाम है लिले का, जॉन लिले. Now look at the PPT. As a dramatist, Lele occupies a peculiar position. Dramatist के रूप में जो Lele की position थी वो काफ़ी अच्छी थी. He selected classical themes. उसने classical theme को select किया and stories for his plays. और अपनी plays के लिए stories होती थी, उनकी classical stories होती थी. He himself was a courtier and wrote for countries. तो वो एक कोर्टियर भी थे, यानी दरबारी, दरबार में से राजाओं के दरबार में होते हैं और इसीलिए उन्होंने कंट्री के लिए लिखा. ही रोट 8 प्लेज इन ऑल, उन्होंने टोटल कितने प्लेज लिखे, 8 प्लेज. दे आर कम्पासपे, सोफे एंड फाओ, गैलेथे, द मैन इन द मून, मेडास, मदर बॉम्बे, लव्स, मेटामॉर्फोसिस एंड वुमेन इन द मून. ये जो इनके थे कुछ इनके राइटिंग्स के नाम हैं.
इनके प्लेज और ड्रामा है ये। लिलीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज अ कॉमिक प्ले राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही वॉज अ कॉमिक प्ले राइट, कॉमिक प्ले लिखते थे। ही गेव शेप टू रोमांटिक कॉमेडी, उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी का बाद में माना जाता है, जो प्रारंभ माना जाता है रोमांटिक कॉमेडी का 17th और 18th सेंचुरी में, लेकिन उन्होंने जो एक शेप दे दी थी, उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी उन्होंने लिखनी स्टार्ट कर दी थी। सूटेबल ब्लैंक वर्स वॉज यूज इन हिज कॉमेडीज, और जो सूटेबल ब्लैंक वर्स उन्होंने यूज़ किया अपनी कॉमेडीज़ में, ही एडेड टू ड्रामा द क्वालिटीज ऑफ डेलिकेसी ग्रेस चार्म एंड सब्टलिटी। उन्होंने अपनी जो क्वालिटीज़ थी उनके ड्रामा की वे थी डेलिकेसी, बहुत ही डेलिकेट होते थे, ग्रेसफुल थे, चार्मफुल थे और सब्टल थे, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले थे। जॉर्ज पेले, पेले वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट्स। पेले भी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे। हिज वर्क हैज़ ग्रेट वेराइटी, उसकी वर्क की भी बहुत सारी वेराइटी हमें देखने को मिलती है। हिज द ओल्ड वाइफ्स टेल्स इज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म, ये उनका सबसे पहला ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म माना जाता है, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, यानी इसमें इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, सटायर किया है वाइफ्स के ऊपर। हिज इम्पॉर्टेंट प्लेज आर अरेंजमेंट ऑफ प्रेयर्स, द बैटल ऑफ एलकाजार, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बादशेबा एंड द ओल्ड वाइफ स्टेल्स, ये इनके कुछ फेमस प्लेज हैं। द लिस्ट शोज पैलेज वर्सेटिलिटी एज अ ड्रामेटिस्ट, जो लिस्ट है ये उसकी वर्सेटिलिटी दिखाती है, यानी वे कितना डिफरेंट टाइप से वे कितनी डिफरेंट चीज़ें वे लिख सकते थे, कहीं उन्होंने सटायर किया है, कहीं उन्होंने क्रॉनिकल लिखा है, कहीं उन्होंने अलग अलग चीज़ें उसमें उन्होंने अपने ड्रामास में प्लेज में दी है। इन हिज प्लेज वी नोटिस अ हाई लेवल ऑफ पोएटिक अटेंटमेंट उन्होंने दिया है, यानी कि उन्होंने अपने ड्रामा के बीच में कुछ पोएम्स का भी यूज़ किया है। इन हिज प्लेज वी नोटिस एज ए ह्यूमरिस्ट ही शोड द वे टू शेक्सपियर, और एक ह्यूमर के रूप में उन्होंने शेक्सपियर को रास्ता दिखाया, यानी शेक्सपियर ने उनको ही फॉलो करके अपने कॉमेडीज़ को लिखा। ही widened द रेंज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, उन्होंने बहुत वाइड किया रेंज को इंग्लिश ड्रामा की, अलग अलग डिफरेंट का टाइप की उन्होंने ड्रामास लिखे। रॉबर्ट ग्रीने, लाइक लेले, ग्रीने वॉज अ प्ले राइट एंड अ नॉवलिस्ट इन वन। ही अटेंड हाई एक्सीलेंस इन बोथ आर्ट्स। हिज बेस्ट प्लेज आर द कॉमिक हिस्ट्री ऑफ एल्फोंसस फेयरर, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे एंड जेम्स फोर्थ, ये इनके कुछ फेमस राइटिंग्स हैं। ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट इन आर्ट ऑफ प्लॉटिंग, प्लॉट जो होते हैं आर्ट ड्रामा में, प्लॉट, तो प्लॉट के वो मास्टर थे, बहुत अच्छा उनका प्लॉट देते थे। विद हिम द लव स्टोरी बिकेम सेंट्रल इन द आर्ट ऑफ ड्रामा, और जो लव स्टोरी थी वो उनके ड्रामा में उनकी सेंट्रल बन जाती थी। कॉन्ट्रीब्यूटेड मस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, इन्होंने भी रोमांटिक कॉमेडी में बहुत डेवलपमेंट किया। वही चीज़ आ गई कि काफ़ी चीज़ें कॉमन थी रोमांटिक ड्रामा, अभी हमने पीछे पढ़ा ग्रीन, जॉर्ज पेले ने लिखा रोमांटिक ड्रामा, रॉबर्ट ग्रीन ने भी लिखा, तो इस तरह से उन लोगों में आपस में काफ़ी कॉमन चीज़ें थी जो कि हमें इन्हीं सभी यूनिवर्सिटी बिट्स में देखने को मिलती है। थॉमस लॉज एंड थॉमस नेशे, द ड्रामेटिक वर्क ऑफ दीज ऑथर्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लॉज द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर कंटेन्स हार्डली एनीथिंग डेट इज न्यू, लॉज के द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं जो कि नई हैं। ही गेव प्रैक्टिकली नथिंग टू द थिएटर, ही रॉट पोएम्स नॉवल्स एंड प्लेस। नेशे वॉज अ पम्फलेटर एंड स्टोरी राइटर, ही राइट टायर्ड हिज हैंड एट ड्रामा, इनके ड्रामा कम थे, इन्होंने पोएम्स ज़्यादा लिखी, नॉवल्स और प्लेज ज़्यादा लिखे। थॉमस किड, द इंग्लिश ट्रेजिडी मूव्स ऑन इट्स वे विद किड, ही एडहेयर्ड टू द स्कैनसन स्कूल, स्कैनसन स्कूल से उन्होंने पढ़ा था। इट इज़ ही हु पॉपुलराइज द ब्लड एंड थंडर एलिमेंट इन ड्रामा, उन्होंने ब्लड और थंडर यानी कि उन्होंने इस तरह की ट्रेजिडीज लिखी जो कि कपा देती थी, देख के टेरर आता था, इसमें जो ऑडियंस थी वो टेरर से फुल हो जाते थे। हिज द स्पेनिश ट्रेजिडी ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंस प्लेस, इट इज़ अ लैंडमार्क इन इंग्लिश ट्रेजिडी, इट इज़ अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्ले, इट ब्रॉट द रिवेंज थीम टू द स्टेज, तो रिवेंज थीम उनके उसमें हमें देखने के लिए वॉयलेंस मिलता था,
और ब्लड देखने के लिए मिलता था, बहुत लड़ाइयाँ, तो इस तरह से रिवेंज थीम पे, रिवेंज थीम जो है वो लेकर आए थे किड। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो वॉज अ सेंट्रल सन ऑफ द यूनिवर्सिटी विथ, मार्लो जो थे सेंट्रल सन थे, यानी कि उनको एक तरह से लीडर भी माना जाता है यूनिवर्सिटी विट्स का, सबसे ज़्यादा शाइनिंग स्टार थे। ही इज द ट्रू फाउंडर ऑफ द पॉपुलर इंग्लिश ड्रामा, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश ट्रेजेडी इज वेरी वाइटल, उनका इंग्लिश ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा योगदान है। हिज मेन वर्क्स आर टम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टर्स, एडवर्ड सेकेंड, द जी ऑफ माल्टा एंड द ट्रेजेडी ऑफ डेवर, ये इनके कुछ वर्क्स हैं। With Marlowe, the English drama reached the highest point of its glory. He raised the subject matter of drama to a higher level. बहुत ऊंचाइयों तक उन्होंने ड्रामा के सब्जेक्ट मैटर को पहुँचाया। He gave life and reality to his characters. He made the blank verse smoother. इन्होंने सबसे ज़्यादा blank verse का यूज़ किया है अपने dramas में and gave unity to drama. Thus, in many ways, he showed a path to Shakespeare. और शेक्सपियर ने इनको भी follow करके अपनी tragedies लिखी हैं। Thus, the university was contributed much to the English drama. They prepared the ground for drama. In the spheres of comedy and tragedy, they made notable contribution and prepared the way for Shakespeare. यानी इन सबको follow करके ही इसके बाद कौन आए, शेक्सपियर। तो ये शेक्सपियर के क्या थे, प्रीसेक्सर्स थे ये सारे के सारे, और शेक्सपियर ने फिर इन सभी यूनिवर्सिटी विट्स को ही फॉलो करके अपने ड्रामाज को लिखा। तो दिस वॉज द यूनिवर्सिटी विट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।